लीजिए, हम पहुंच चुके हैं सात ताल, और सात ताल के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है जस्ट उसके क्रॉसिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, और ऊपर सामने आश्रम है, सात ताल मसीही आश्रम के संस्था के नाम से बना हुआ है। मेरे ख्याल से चर्च है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन है। और ये देखिए ये सात ताल, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह आप आके आराम से कर सकते हैं। चारों तरफ चीड़ के घने जंगल पेड़ देखिए, और इधर से आप बोटिंग वगैरह आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और बीच में सात ताल जिसको सीता ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, पूर्व ताल के नाम से भी जाना जाता है। सात तामों से बनाए सात ताल, और यहाँ पे आप जंपिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं पहुँच गया हूँ अभी सात ताल, और सात ताल लेक के पास में हूँ। और सात ताल जो मेन पार्किंग है वहाँ पे पहुँचा नहीं, उससे पहले हम थोड़ा सा 100 मीटर 200 मीटर पहले रुके हुए हैं, क्योंकि जो हमारे राइडर्स हैं वो थोड़ा सा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके बाद हम निकल जाएंगे सात ताल पार्किंग की तरफ। और सात ताल को जो है ना, आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद आप मुझे बताना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। सात ताल जो है ना, आपको इसको लक्ष्मण ताल भी कहते थे, लक्ष्मण ताल के यहाँ राम ताल भी कहते थे, पूर्व ताल भी कहते थे, सीता ताल भी कहते थे। तो इस तरह से सात नाम को लेकर के इसका नाम जो है सात ताल रखा गया है। कुछ ऐसी स्टोरी है सात ताल की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सात ताल, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है ये भी। और ये देखिए, काफ़ी बड़ी लेक है, और इससे बड़ी लेक जो है वो है अपनी नौकुचिया ताल, ठीक है। और सामने एक्टिविटीज़ पूरा कर रहे हैं, और मैं अभी थोड़ा सा ऊपर हूँ, मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और हमको जो है अभी वो उधर जाना है, उस साइड में जाना है, तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊँगा लेक का नज़ारा सात ताल का। और ये देखिए, और ये शायद ये रिवर क्रॉसिंग का, देखिए कितनी लंबी रिवर क्रॉसिंग है, ये लेके वो लास्ट कोने तक है, ये सबसे लंबी रिवर क्रॉसिंग यहाँ पे होती है। और देखिए, काफ़ी खूबसूरत सात ताल का नज़ारा। और ये देखिए, घने चीड़ और चारों तरफ चीड़ के पेड़ है, घने पेड़ है यहाँ पे चीड़ के, उनके बीच में सात ताल बना हुआ है। तो चलते हैं आगे, आपको जो मेन जहाँ पे सात ताल जहाँ से व्यू पूरा दिखता है वहाँ पे जा कर के आपको व्यू दिखाता हूँ, तब तक के लिए आप बने रहें। चुका हूँ सात ताल, और सात ताल का भी आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी बड़ी लेक है। सात ताल की जो तुलना की जाती है वो इंग्लैंड के मोरलैंड है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा फेमस है, उसके बराबर की तुलना की जाती है, लगा लीजिए आप। तो सात ताल काफ़ी अनोखा ताल है, काफ़ी अपने आप में काफ़ी चर्चित है, काफ़ी खूबसूरत ताल है। और पहले भी मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा और देख भी रखा होगा बहुत लोगों ने, जिन्होंने जो सब्सक्राइबर है उन्होंने ऑलरेडी देख रखा। तो आज मैं आपको फिर से सात ताल दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप बने रहें। और कुछ इस तरह से यहाँ पे खाने पीने का भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह आपको कुछ करना तो यहाँ पे आकर के आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से सात ताल के लिए आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, आप अपना यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, जितना भी आपको दिखेगा सारे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट नज़र आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पहाड़ी खाना भी मिल सकता है, जो कि कुमाऊनी जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ का फूड है, वो आपको यहाँ पे फूड यहाँ पे कुमाऊनी फूड आपको खाने को मिल सकता है। ऐसे भटकी दाल, भटकी चुटखानी, दोहत की दाल, मुर्गे की रोटी, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली। तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, और यहाँ पे लोकल यहाँ का खाना ज़रूर खाएं। तो चलते हैं सात ताल की तरफ। लीजिए, हम पहुँच चुके हैं सात ताल, और सात ताल के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है जस्ट उसके क्रॉसिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, और ऊपर सामने आश्रम है, सात ताल मसीही आश्रम के संस्था के नाम से बना हुआ है। मेरे ख्याल से चर्च है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन है। और ये देखिए ये सात ताल, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह आप आके आराम से कर सकते हैं। चारों तरफ चीड़ के घने जंगल पेड़ देखिए,
इधर से आप बोटिंग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बीच में सात ताल, जिसको सीता ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, पूर ताल के नाम से भी जाना जाता है। सात तामों से बनाया सात ताल। और यहाँ पे आप जंपिंग वगैरह कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं, छोटे बच्चों के लिए। ये वाटर बॉल भी है और सामने सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह ऊपर की साइड में, और ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी है सामने दिख रही होगी। तो ये है सात ताल, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारा सात ताल का है। उस कोने पर भी सात ताल का रास्ता पूरा कोना है और इस तरफ पूरा कोना बना हुआ है। तो आप लोग आइए यहाँ पे एक बार आना तो बनता है, तो ज़रूर आएँ सात ताल में और यहाँ का वातावरण का आनंद उठाइए। इस टाइम पे काफ़ी मार्च से मई तक काफ़ी अच्छा टाइम रहता है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और बरसात के टाइम पे क्या होता है कि रोडों में चिकनाहट ज़्यादा रहती है, तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप ये टाइम मार्च से मई तक का काफ़ी अच्छा टाइम होता है, यहाँ पर आ करके आप इन्जॉय वगैरह कर सकते हैं। चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। दोस्तों आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियोस कमेंट में ज़रूर करना। इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, फेसबुक का भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। और वीडियोस को ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें।